कक्षा 9 अभ्यास 2.1 का 9वां स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट नहीं है ये, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, करड़ी के बाहर 5 लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं बोला जाएगा, इसको अंडर रूट बोल सकते हैं, ठीक ना, अंडर रूट। तो जो इसमें लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं यहाँ पर सवाल में, 9वां का अंडर रूट में 243 एक्स की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 10 और यहाँ पर 5 लगा हुआ है। 5 लगे होने का सीधा सा मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 243 एक्स की पावर 10 वाई की पावर 5 जेड की पावर 10 की पावर 1/5। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह लिखते हैं रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर 2 था, 2 नहीं भी था तो स्क्वायर रूट हम इसको मान लेते हैं। जब x के बाहर ऐसे 3 लिखा रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं x की पावर 1/3। ऐसे इस पूरे के बाहर 5 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे की पावर 1/5। अब 243 का अभाज्य गुणनखंड निकालो इधर, 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 × 3 = 7 = 9, यानी 3 × 8 = 24 × 3 = 3, फिर 9 × 9 = 9, 9 = 81 है ना। तो 3 × 9 = 9 ऐसा कर सकते हैं इसको, या और करो इसे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 3, यानी 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 3, 5 बार लिख लिया गया। तो यहाँ पे 243 को लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं 243 को, और ये x^10 है और y^5 है और z^10 है और इस पूरे की पावर 1/5 है ना। अब क्या करेंगे इसे, एक काम करते हैं कि इसमें ये 3 की पावर 5 इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, x^5 × x^5 लिख सकते हैं, आधार बराबर है तो घातांक जुड़ी आएंगे तो x^10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको y^5 लिखे, इसे z^5 × z^5 के रूप में तोड़ दिए है ना, और इस पूरे की पावर 1/5 लिख दिए। तो अब इसे क्या कर सकते, सब के ऊपर 5 लगा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 3 × x × x × y × z × z पूरे की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/5, ठीक है। अब इसे लिख लेंगे 3x² y × z² और इसको लिख सकते हैं 5 × 1/5, ए पे बी पे सी तो b × c, यानी 3x² y × z² 5/5 मतलब 1, यानी कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 3x² y × z² ये हो जाएगा अपना आंसर।